स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं करने वाली हूँ फुल डिटेल रिव्यू हमारे लावा के अग्नि 2 का। वैसे तो इस फोन का वीडियो ना 10 से 12 दिन पहले आना था, ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से इतना डिले हो गया। जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही होगा क्या प्रॉब्लम आई थी। अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सब कुछ इस फोन के बारे में डिटेल में, मतलब हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स, ताकि आप लोग एक डिसीजन ले सके कि क्या ये डिवाइस आपके लिए वर्थ है या नहीं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम डिवाइस की यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये जो हमारा डिवाइस है ना, बिल्ड एंड डिजाइन के हिसाब से मुझे ये काफी सही लगा। सबसे पहले तो इसके बैक साइड में आपको AG मैट ग्लास मिल जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको मैट फिनिश से यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके साथ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि आपका जो कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन है, वो जो आजकल हमारा लेटेस्ट चल रहा है ना, बिग बोल्ड कैमरा मॉड्यूल, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिससे कि डिवाइस हमारा देखने में काफी अट्रैक्टिव लुक का लग रहा है। साथ ही डिवाइस के अंदर जैसे कि आपको डुअल कर्व डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि मेरा तो फेवरेट है ही, लेकिन इसमें क्या है कि ना, डिवाइस एक्चुअल में बहुत ही प्रीमियम लगता है। तो मतलब फ्रंट से आप देख सकते हैं कि आपको प्रीमियम सा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, बैक से भी आप देख सकते हैं कि डिवाइस हमारा स्टाइलिश लग रहा है, और कॉर्नर्स में आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे तरीके से ब्लेंड किया हुआ है। तो एक्चुअल में डिवाइस आपको स्टाइलिश भी लगेगा, प्रीमियम भी लगेगा और हैंडी भी लगेगा। एक हाथ से आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। और इसके साथ नीचे के साइड आप देख सकते हैं आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है, टाइप सी पोर्ट मिलता है, माइक मिलता है, साथ ही है हमारी सिम ट्रे, जिसके अंदर आपको 2 सिम कार्ड डालने की ऑप्शन मिल जाती है। 5G सपोर्ट भी आपको मिलता है डिवाइस के अंदर 13 बैंड्स में। इसके साथ राइट साइड में पावर बटन के ऊपर आते हैं हमारे वॉल्यूम रॉकर्स, टॉप साइड पे आता है हमारा सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक, लेफ्ट साइड हमारी बिल्कुल क्लीन है, और बैक में ये जो कैमरा मॉड्यूल है, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 4 हमारे कैमरास, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल +2+2 के हमारे 4 कैमरास। उसके साथ हमारा LED फ्लैश है, नीचे आपकी लावा की बैजिंग है, साथ ही 5G मेंशन है, और फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं कि डुअल कर्व डिस्प्ले बहुत ही प्रीमियम लग रहा है हमारा देखने में। एक्चुअल में ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि एक ना ट्रेंड वापस आ गया है डुअल कर्व डिस्प्ले वाला, मेरा बहुत ही फेवरेट था, पहले हटा दिया गया था ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज की डेट में देखा जाए ये ट्रेंड वापस आ रहा है। और इसी बजट में, अगर मैं 25,000 रुपए के बजट की ही बात करूं, तो आपको कई सारे डिवाइसेस मिल जाते हैं, जैसे ये हो गया या फिर हमारा रियलमी का डिवाइस हो गया, और आगे और भी आ रहे हैं डुअल कर्व डिस्प्ले वाले। तो ये चीज मुझे तो बहुत ही पसंद आती है, आपको कैसा लगता है कमेंट जरूर करें। अब डिस्प्ले जो है हमारा यहाँ पे आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले का साइज मिलता है, जिसमें बीजल्स आप देख सकते हैं हमारे चिन साइड या फिर हमारी टॉप साइड काफी कम है, और आपको पंच होल डिजाइन के अंदर यहाँ पे मिल जाता है सेल्फी कैमरा, साथ ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है डिवाइस के अंदर, जो कि हमारा काफी फास्टली वर्क कर रहा है, आराम से डिवाइस को अनलॉक कर पा रहा है। हालांकि जो हमारे डिवाइस के अंदर फेस अनलॉक है ना, वो इतना सिक्योर नहीं है, मेरे हिसाब से वो मत लगाना, आप फोन की तरफ नहीं भी देख रहे होगे ना तो भी ये अनलॉक कर देता है, तो इसीलिए फेस अनलॉक मत लगाना। बहुत सारे डिवाइसेस है जिनके अंदर फेस अनलॉक हमारा ठीक से काम नहीं करता है, फिंगरप्रिंट लॉक लगाओ या फिर पासवर्ड लगाओ। तो ये तो हो गया हमारे डिवाइस का बिल्ट इन डिजाइन। अब अगर मैं बात करूं डिवाइस की बैटरी के बारे में, तो आपको यहाँ पे 4700 mAh की बैटरी मिल जाती है, और मैं आपको बताऊं, मुझे सही में लगा अगर 5000 mAh की बड़ी बैटरी दे देते ना तो ज्यादा बेटर हो जाता। अभी थोड़ी सी कम है, मतलब अभी क्या है कि जैसे मैंने इस डिवाइस को यूज किया तो मेरा पूरा पूरा एक ही दिन निकल पाता है, मतलब मेरी यूसेज के अंदर रात को 8-8:30 बजे तक इस डिवाइस के अंदर 5% बैटरी पे ये आ जाता है। अगर पूरी 5000 mAh की बैटरी मिल जाती जो स्टैंडर्ड चल रहा है, तो इससे ये होता है कि आपका ना रात तक आराम से पूरी निकल जाती। तो मेरे हिसाब से बैटरी यहाँ स्टैंडर्ड 5000 मिलनी चाहिए थी। इसके साथ डिवाइस की अगर मैं चार्जिंग की बात करूं, तो मुझे ना एक्चुअली में एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज देखने को मिली, मतलब यार इस डिवाइस के साथ आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है 66 वाट का फास्ट चार्जर। और जैसे कि कई सारी कंपनियां क्लेम करती हैं कि 50% इतने मिनट में हो जाएगा, 100% इतने मिनट में हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है, कई सारे गिमिक किए जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक्चुअली बताऊं, इस कंपनी ने भी क्लेम किया था कि आपका 43 मिनट्स में डिवाइस 0-100% फुल चार्ज हो जाएगा, और सही में हो भी गया। मेरी चार्जिंग में मैंने देखा टेस्ट में कि 43 मिनट्स ही लगे डिवाइस को फुल चार्ज होने में। ये चीज बड़ी हुई ना, गिमिक करने की क्या जरूरत है, आप एक्चुअल चीज बताओ, सही चीज बताओ। एक्चुअल में टेस्ट करके ना और बढ़िया लगता है, यूज करके डिवाइस को अच्छा लगता है। अब इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, यहाँ पे आपको 6.78 इंच का हमारा डिस्प्ले मिलता है, जो कि एमोलेड पैनल में है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, जो कि हमारा एक 10 बिट पैनल में है, जिसके अंदर आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलता है। डिवाइस का डिस्प्ले मुझे काफी ब्राइट लगा, मतलब जैसे कि मैं इसके अंदर मूवीज वीडियोस देख रही थी, या फिर अगर मैं बात करूं आउटडोर में, अगर मैं सनलाइट में भी यूज कर रही थी डिवाइस को, तो मुझे यहाँ पे ब्राइटनेस डिवाइस की काफी अच्छी लगी। मैंने टेस्ट रन करके देखा, तो उसमें मैंने देखा कि हमारी यहाँ पे 660 प्लस की रीडिंग आ रही है,
तो ब्राइटनेस आपको डिवाइस के डिस्प्ले में अच्छी मिल जाती है। साथ ही जैसे कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है, तो डिवाइस आपको यूज करने में काफी स्मूथ सा और स्नैपी सा फील होगा। साथ ही आप डिवाइस के अंदर यहाँ पे 4K और HDR कंटेंट को भी स्ट्रीम कर सकते हैं और मूवीज वीडियोस देखने में एक्चुअली में डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे यहाँ पे काफी अच्छी लगी। इसके साथ आगे अगर मैं बात करूँ डिवाइस के ऑडियो के बारे में, तो यहाँ पे आपको ना सिंगल स्पीकर मिलता है। मतलब ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, एक्चुअली में ये कमी को छोड़ना नहीं चाहिए था, यहाँ पे भी हमें डुअल स्पीकर मिलने ही चाहिए थे। वैसे देखा जाए जो सिंगल स्पीकर मिल रहा है वो हमारा काफी लाउड है, मतलब जो मैंने टेस्ट रन किया उसका स्कोर आप देख सकते हैं, हमारा काफी तगड़ा आया है, 122 की हमारी रीडिंग आई है। लेकिन एक्सपीरियंस वाइज उतना मजा नहीं आता, क्योंकि क्या है कि ना आपको एक सराउंड साउंड वाले यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, साउंड नहीं मिलती है, तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे कम हो जाता है। डुअल स्पीकर्स दे देते तो मजा ही आ जाता। वैसे तो डिवाइस के अंदर 3.5 mm जैक नहीं है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको कनेक्टर मिल जाता है टाइप सी 2 3.5 वाला। इसके साथ वैसे डिवाइस के अगर नेटवर्क्स की मैं बात करूं, तो जैसे कि आपको बताया कि 5G सपोर्ट आपको यहां डिवाइस पे मिल जाता है, वो भी 13 बैंड्स में। साथ ही कैरियर जनरेशन का सपोर्ट भी मुझे यहां पे डिवाइस के अंदर देखने को मिल गया। और बेसमेंट में जैसे मैं हर फोन को लेके जाती हूं और टेस्ट जरूर करती हूं, तो इसको भी मैंने किया था। आपको डिवाइस के अंदर यहां पे कॉल कनेक्टिविटी एक्चुअली में बेसमेंट में काफी अच्छी वाली देखने को मिल जाती है। कॉल आपकी कटती नहीं है, आवाज कहीं क्रैक नहीं करती, बिल्कुल बढ़िया सिग्नल स्ट्रेंथ मुझे देखने को मिली। इसके साथ वैसे अगर मैं ईयरपीस की बात करूं, तो वो भी मुझे लाउड फील हुआ। मार्केट में ले जाके मैंने डिवाइस को चेक किया था और उसमें पीछे शोर हो तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ईयरपीस के थ्रू फोन पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे 92 आई थी हमारी रीडिंग। इसके साथ अगर आगे मैं बात करूं डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 का चिपसेट मिल जाता है। और इस बजट के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आपको यही चिपसेट मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं आप कि हमारे जो स्नैपड्रैगन 778G है उसके आसपास की आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल जाती है। वैसे मेरे टेस्टिंग के अंदर मुझे डिवाइस में कोई ज्यादा मेजर हीटिंग देखने को नहीं मिली, हल्का सा डिवाइस वार्म किया था पर ऐसे कोई मेजर हीटिंग नहीं है, ना ही कोई मेजर यहाँ पे थ्रॉटलिंग देखने को मिली। मतलब जो मैंने टेस्ट रन किया उसके स्कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो एंटूटू टेस्ट में 540,000 के आसपास मेरा स्कोर आया और सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर 85% स्कोर आया। और साथ ही आपको डिवाइस के अंदर जैसे कि UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है, स्टोरेज टेस्ट के रिजल्ट भी हमारे बजट के हिसाब से ठीक आए हैं। वैसे अगर मैं बात करूं गेमिंग के बारे में या हैवी टास्क के बारे में, तो ये डिवाइस हमारा इन चीजों के लिए नहीं है। मतलब अगर आप हाई सेटिंग्स पे हाई ग्राफिक्स पे गेम खेलते हैं, तो ये डिवाइस आपके लिए नहीं है। इसी बजट के अंदर अगर मैं बात करूं ना 25,000 रुपए के बजट में, आज की डेट में तो स्नैपड्रैगन 870 या 888 भी मिल जाते हैं। तो जिनको गेमिंग चाहिए, जिसके अंदर हाई ग्राफिक्स पे हाई सेटिंग्स पे गेम वो खेल सके, उनको उन डिवाइसेस के लिए जाना चाहिए। ये डिवाइस जो है ये नॉर्मली यूज करने के लिए अगर आपको चाहिए, नॉर्मल गेमिंग करनी है, ये नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ के टास्क करने हैं, तो वो सारे तो यहाँ पे आपके आराम से हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गेमिंग के लिए ये डिवाइस या हैवी टास्क के लिए नहीं है। इसके अलावा वैसे डिवाइस के अंदर मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि आपको यहाँ पे क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल जाता है। आपको यहाँ पे कोई ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता, ना ही आपको यहाँ पे कोई फालतू के एड्स देखने को मिलते हैं, तो ये चीज मुझे डिवाइस की अच्छी लगी। इसके साथ अगर आगे हम बात करें डिवाइस के कैमरास के बारे में, तो कैमरास में भी देखा जाए तो डिवाइस में यहाँ पे काम किया गया है। मतलब सबसे पहले तो कैमरा सेटअप मैं आपको बताती हूँ। बैक में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उसके साथ 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 के यूजलेस कैमरास है, साथ ही 16 का सेल्फी कैमरा है। सबसे पहले तो लो लाइट सैंपल से हम बात शुरू करेंगे, क्योंकि उससे पता चलता है कि कैमरा एक्चुअल में कैसा है, सेंसर कैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे लो लाइट पिक्स आप देख सकते हैं कि बैक की तो हमारी बजट के हिसाब से काफी ठीक आई है। मतलब 22,000 रुपए के बजट पे जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, तो काफी ओके आपको यहाँ पे पिक्स मिल जाती हैं। जूम करोगे तो थोड़ी नॉइज देखने को मिलेगी, लेकिन इस बजट में ये चीज आपको मिलती ही है, मतलब जूम करने में नॉइज मिलती ही है, उस हिसाब से वैसे पिक्स हमारी काफी ठीक आई है। हालांकि सेल्फी पिक्स जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो बजट के हिसाब से थोड़ी सी बेटर करी जा सकती थी। लो लाइट परफॉर्मेंस सेल्फी कैमरा की इतनी अच्छी निकल के नहीं आती। लेकिन डे टाइम सेल्फीज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे काफी अच्छे पिक्स देखने को मिल रही है। मतलब इमेज प्रोसेसिंग हमारी यहाँ पे अच्छी आ रही है, एज डिटेक्शन आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, इवन HDR भी हमारा काफी अच्छा वर्क कर रहा है। कलर्स आपको पंची देखने को मिल जाते हैं, तो लाइवली से पिक्स आपकी यहाँ पे लगेंगी। स्किन टोन को भी अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, बैकग्राउंड को भी अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है। कलर्स वाइज अगर मैं बात करूँ या डिटेलिंग वाइज बात करूँ, तो सेल्फी कैमरे के पिक्स यहाँ पे डे टाइम की तो अच्छी है। और साथ ही अगर मैं बैक कैमरे के पिक्स की बात करूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको डिटेलिंग अच्छी मिल रही है। HDR हमारा यहाँ पे भी काफी अच्छा वर्क कर रहा है, कलर्स को भी बूस्टेड लग रहा है, पिक्स यहाँ पे भी हमारी काफी लाइवली सी लग रही है। बजट के हिसाब से काफी ठीक हमें पिक्स मिल जाती है। मतलब एक्चुअली मैं बताऊँ, मैंने एक्सपेक्ट
नहीं किया था कि लावा की इतनी अच्छी पिक्स आएंगी, पर बजट के हिसाब से यहाँ पे अच्छे से काम किया गया है। आपको यहाँ डे टाइम पिक्स जो है वो काफी सही वाली मिल जाती है, और जितना अच्छा यहाँ पे HDR को मेंटेन किया गया ना, वो एक्चुअल में जो मोटरोला के हमारे डिवाइसेस होते हैं वो आज तक नहीं कर पाए हैं, पोको के डिवाइसेस नहीं कर पाए हैं आज तक। उस हिसाब से लावा ने यहाँ पे काफी सही तरीके से कैमरा पे वर्क किया है। और वीडियोग्राफी की भी अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पे भी कोई गिमिक नहीं किया गया, ये चीज मुझे अच्छी लगी। सबसे पहले तो बैक कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आपको एक स्टेबल वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पे EIS मिलता है, और लिखा हुआ आ रहा है कि फुल HD में आप वीडियो बनेगा आपका, और आपको EIS ही ऑन होगा। मतलब कोई गिमिक नहीं किया गया, क्लियरली बताया गया है। और वीडियो सैंपल आप देख सकते हो, ये हमारा स्टेबल वीडियो लग रहा है जिसके अंदर कलर्स भी हमारे बूस्टेड आ रहे हैं, कंट्रास्ट भी अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। फुल HD में यहाँ पे मैंने वीडियो लिया था EIS ऑन करके। सेल्फी वीडियो की मैं बात करूँ तो वो हमारा शेकी आया है। 4K वीडियो लेने की आपको ऑप्शन नहीं मिलती है, फुल HD सैंपल है ये हमारा, लेकिन क्वालिटी वाइज देखा जाए तो वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है। मतलब स्टिल वीडियो लेने के लिए आपको ये बजट के हिसाब से काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी दे रहा है। सो गाइस, ये था हमारा डिवाइस, हमारा लावा अग्नि 2, जो कि मतलब देखा जाए तो फोन काफी अच्छा निकाला है कंपनी ने, काफी चीजों पे काम किया गया है। मतलब आप लुक वाइज बात करो, डिस्प्ले के हिसाब से बात करो, आप कैमरा के हिसाब से बात करो, आप यहाँ पे चार्जिंग की बात करो, परफॉर्मेंस की बात करो, मतलब गेमिंग नहीं लेकिन नॉर्मल परफॉर्मेंस तो आपको डिवाइस की अच्छी मिल जाती है, ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। तो अब एक्चुअल में देखा जाए तो काफी अच्छा डिवाइस कंपनी ने यहाँ पे निकाला है, कई चीजों पे काम किया है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में आता है कि क्या आपको इस डिवाइस की सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एस्टेब्लिश कंपनियां हैं, उनकी भी सर्विसेज मिलने में बहुत दिक्कत आ जाती है। तो इसकी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अपडेट्स हमें टाइम टू टाइम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये कुछ बड़े सवाल आ जाते हैं। एक्चुअल में आपको बताऊं, पर्सनली अगर मैंने इस फोन को लेना हो, मैं रिव्यूअर नहीं हूं अगर, और मैं एक यूजर हूं, तो मुझे 2200 रुपये अगर खर्च करने हैं तो मैं इस फोन को नहीं लूंगी। एक्चुअल में क्या है कि ना, कुछ टाइम वेट करना चाहिए। कुछ टाइम में क्या होता है, मार्केट में फोन आ जाएगा, कई सारे लोग उसको यूज करेंगे, कई सारे लोग लॉन्ग टर्म रिव्यू देंगे, आपको पता चलेगा, सुनने में आएगा लोगों के एक्सपीरियंस से कि यहाँ सर्विस कैसी मिलती है, अपडेट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मतलब ऑन पेपर देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे कई सारी चीजें प्रॉमिस करी हैं, लेकिन वो मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, ये लॉन्ग टर्म में एक्सपीरियंस में ही पता चलता है। तो बेस्ट तो यही लगता है मुझे कि मैं होती तो मैं बिल्कुल इस फोन को नहीं लेती अभी। फोन अच्छा है, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है, काफी अच्छे से काम किया है, लेकिन सर्विस कैसी होगी, आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आगे जाके एड्स मिलेंगे, क्या होगा, अभी कुछ नहीं पता हमें। तो ये चीजें एक्सपीरियंस से पता चलती हैं, आगे जाके पता चलेंगी। तो मैं तो बिल्कुल वेट करती, अभी इस फोन को ना लेती। बाकी ये तो मेरा ओपिनियन था, आप लोग मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताएं, आप क्या करेंगे, आप इस फोन को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, कमेंट जरूर करिएगा।